day one of second year and hello Sahil. Hello. तेरे को believe हो रहा है कि तू second year में आ गया? तुझे पता है हमारी first day की first attendance जा रही है? हम guys first day लेते हैं, बोले hi बोल दे. Hello. तेरे को believe हो रहा है तू second year में आ चुका है? आज class देख रहा हूँ. बड़ी मुश्किल से हम तीनों second year में आए हैं guys. क्या होता है class में देखते हैं. अभी तो हम late हो गए हैं. First class के लिए late हो गए हैं. 10 minutes late हैं. Well done. So Vidhi, second year has started. How do you feel? काफी awesome. जो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने fees waste करी है first year जाके literally बहुत मजा आ रहा है. Like जब college खुलने वाला था तो I like क्यों बोल रहा है मेरे को नहीं जाना offline क्यों हो रहा online online. And मैं जब first day गई हूँ ना तब मेरे को समझ में आ गया ये क्या ही online हम पढ़ रहे थे. मतलब रोज हॉस्पिटल जाते हैं इतना मजा आता है बहुत मजा. दूसरों के दर्द में मजा आ रहा है. नहीं लेकिन हमको जो देखने को मिलता हमने जैसे पूरे साल कुछ नहीं देखा. पूरे साल हमें हार्डली एनी डाइसेक्शन करने को मिला है. बट लाइक हॉस्पिटल में जाना हम मेरी पोस्टिंग फर्स्ट सर्जरी में लगी है एंड रोज 9 to 12 हम हॉस्पिटल जाते हैं. हम सर्जरी वार्ड जाते हैं और डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं. हमारे जो हेड डॉक्टर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज इन डॉक्टर के साथ चिपक जाओ आज इन डॉक्टर के साथ चिपक जाओ. और वो जो पेशेंट्स देखते हैं हम पीछे पीछे जाके उनके साथ पेशेंट्स देखते हैं. इतना मजा आता है लाइक बहुत बहुत फन है. सो विधि व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे? सो बेसिकली फर्स्ट डे पे एक तो अपने हॉस्पिटल हमने कभी देखा ही नहीं. हमें इतनी डांट पड़ी तुम अपना हॉस्पिटल ही नहीं जानते. लेकिन फिर हम सर्जरी वार्ड में खो गए. तो गाइस हम फर्स्ट डे पे रास्ता भूल गए हैं. बिल्कुल भूल चुके हैं. हमें डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जाने में मिल ही नहीं रहा है कहाँ. बड़ी मुश्किल से हमें मिले कि हमें कौन से डॉक्टर के साथ रहना है सब कुछ क्या करना है. एंड देन हमें सबसे फर्स्ट हमें अभी सिखा रहे हैं हिस्ट्री टेकिंग कैसे लिखते हैं. उसको एलर्जी किस किस चीजों से है उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस वो सब हमें एक जगह प्रेजेंट करके रखनी चाहिए. 10-15 दिन बस वही सिखाएंगे क्योंकि इट्स वेरी एसेंशियल. आपने ली किसी की हिस्ट्री? हाँ मैंने 3 लोगों की हिस्ट्री ली. तो फर्स्ट टाइम तो हमने बहुत ही खराब हिस्ट्री ली. तो क्योंकि हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं तो उन्होंने बोला दिल्ली. हमने कहा ठीक है तो दिल्ली में कहाँ दिल्ली के लोग ही तो आएंगे यहाँ पे. तो हमने कहा सॉरी सर. इन्हें पर्सनल हिस्ट्री पूछी. पूछा स्मोकर है ड्रिंकर है? नो सर. कैसे मतलब एक बंदे को लंग में प्रॉब्लम है तुमने उससे ये ही नहीं पूछा कि वो स्मोकर है ड्रिंकर है उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है. व्हेनेवर यू गो टू द डॉक्टर एंड व्हेन द डॉक्टर आस्क्स मी लाइक डू यू स्मोक एंड ड्यूटिंग मैं आती हूँ ऑफेंड हो जाती हूँ लाइक व्हाई आर यू आस्किंग मी दैट डॉक्टर. बट नाउ आई रियलाइज इट्स पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. एक पेशेंट को तो मेरे सामने ही गॉट डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर. यहाँ पे उसको ट्यूमर था तो वो बोल रहा था कुछ नहीं हो सकता क्या सर्जरी के अलावा एंड ऑल. एंड ऑब्वियसली द डॉक्टर्स वर लाइक क्यों को स्मोक कर देते हैं अब इतना. हमें तो निकालना पड़ेगा ना वो देखने के लिए कि उसमें पस है उसमें क्या है. हमें तो निकालना पड़ेगा. उसकी छोटी बच्ची और उसकी वाइफ भी थी तो उसकी बच्ची बोलती हाँ हम पापा को ले आएंगे हॉस्पिटल एंड ऑल. बहुत रियल था लाइक सारे पेशेंट से. सो बेसिकली हमें हिस्ट्री लेने से पहले पूछना होता है कि मेरा नाम जूनियर डॉक्टर विधि है या जो भी ऐसे करके. आप हमेशा यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज डॉक्टर वरना दे वोंट रिस्पेक्ट यू. इवन इफ नोबडी एल्स कॉल्स यू अ डॉक्टर यू कैन कॉल योरसेल्फ अ डॉक्टर. नहीं पेशेंट्स तो बुलाते हैं क्योंकि आप व्हाइट कोट पहनोगे तो वो बुलाएंगे. बेसिकली मुन्ना भाई MBBS हो अभी आप. EWS को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है तो जो भी EWS वाले पेशेंट्स होते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि हम भगवान है लाइक सारे डॉक्टर्स भगवान है. शकीला मुझे अभी भी याद है नाम. उनसे हमने शी वाज अ 65 ईयर ओल्ड फीमेल एंड वी टुक हर हिस्ट्री अराउंड 5 times. और जब भी जैसे सर बोल रहे हैं अब तुमने ये नहीं पूछा हम बार बार जाके पूछ रहे हैं आप ये भी बता दें. वो अच्छे से बता रही है हाँ हाँ बेटा हमको ये भी था मैं बहुत परेशान हूँ मेरी मदद कर दो. तुमने कहा कि आपके पास एकदम बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आप जल्द से जल्द यहाँ से छूट जाएंगे ऐसे करें ऐसा. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब आशा करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एंड चलते फिरते खूब दिखे हमें यहाँ पे ऐसे करके पूरा थोड़ा फॉर्मल वे में बट हिंदी में बोलना होता है तो वो अच्छा लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगी बताओ. नहीं मतलब वो लोग बोल रहे थे ना अल्हम्दुलिल्लाह. That means thank God. कोई एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी वो भी थी ओटी में तो उसने फोरसेप्स की जगह कुछ और दे दिया. नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या हो गया यहाँ. Oh my God, I can't believe she's saying these terms. नहीं बोल रहे थे. आपके डॉक्टर्स हैं कैसे हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा बहुत लाइक बहुत प्रोफेशनल एंड देर सो गुड. लाइक मेरी ओपीडी थी जिस दिन
उस दिन तो मैं देख रही थी लाइक कि ऐसे कैसे सर केसेस निपटाए जा रहे हैं एंड अपने जूनियर्स को भी सिखा रहे हैं. बेसिकली हेड ऑफ यूनिट, उसके अंदर दो एसोसिएट प्रोफेसर, दीज आर ऑल डॉक्टर्स हु हैव बीन लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर अराउंड 10-15 इयर्स. मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्हीं से वो हमारे लिए एकदम हेड है. वो फिर उनके नीचे सीनियर रेजिडेंट, उनके नीचे जूनियर रेजिडेंट, उनके नीचे इंटर्न, उनके नीचे फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, फिर हम सेकेंड ईयर. ओह माय गॉड, यू आर वे एट द बॉटम. बिल्कुल, तुझे नाली के कीड़े वाले. ये बात सच है, इंटर्न्स को इतना परेशान करते हैं सर. मैंने सिर्फ अपने में नहीं देखा, मैंने सीरियल्स वगैरह में भी देखा है. इंटर्न्स को इतना परेशान करते हैं, हमको नहीं करते. हाँ, हम तो अभी अभी आए ना, मैं तो एक हफ्ता भी नहीं आए हुए. तो हमसे जो भी कोई क्वेश्चन पूछे, सर इसकी क्लास तो हुई नहीं हमारी. सर इफ यू आर लिसनिंग. तो वो उस बीमारी का नाम है बहानाइटिस एक्सक्यूजाइटिस. और आप ओपीडी में भी एक गए थे? हाँ, सर्जरी ओपीडी में गए थे. इतना मामा ने मुझे कुछ बताया, मैं इतनी एक्साइटेड, घर जाके बताऊंगी, वीडियो पे बताना, कैमरे पे बताना, सबके सामने. अरे दो बार सुनना पड़ता है, एक बार हमें बताती है, फिर कैमरे में शूट करो, तब फिर से सुनना पड़ता है. वैसे ही आपकी आवाज कोई ज्यादा अच्छी तो है नहीं. विधीज वॉइस बी लाइक. तो बेसिकली हमने वहाँ सबसे ज्यादा केसेस देखे हैं सिम्प्टोमेटिक कोलेसिस्टाइसिस के, विच इज गॉल ब्लैडर स्टोन्स. मुझे पता चला कि उसको पित्त की थैली भी बोलते हैं. एक तो पेशेंट थी 85 इयर्स की थी, उनके साथ जो आई थी वो भी 65 थी आंटी. कब से हमें घुमाए जा रहे हो, कभी एडमिट ही नहीं कर रहे, परेशान करे जा रहे हो आप हमें एंड ऑल. तो फिर हमारे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, माता जी अभी एडमिट कर रहे हैं हम, आप चिंता क्यों ले रहे हैं. फिर आंटी शुरू हो गई, हाँ इनको ठीक कर दो, बस हम तो यही चाहते हैं कि किसी की जिंदगी में अगर 3-4 साल और आ जाए तो क्या जाएगा. लाइक आंटी लिटरली साइड में बैठी हैं, आप क्या उनको बोल रहे हो कि उनको 3-4 साल ही रहेंगी बस. और कोई इंसिडेंट बताओ. ओपीडी तो बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें पेशेंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं. मैंने यहाँ पे लिम्फेडीमा देखा एंड इंग्वाइनल हर्निया के 2-3 केसेस थे जिसमें वो पेशेंट खास रहा था एंड पूरा यहाँ पे पॉप आउट हो रहा था उसका हर्निया. एक केस था रिकरेंस ऑफ द ट्यूमर इन ब्रेस्ट, उसका ठीक हो गया ट्यूमर और उसने बायोप्सी, ऑब्वियसली ट्यूमर निकालना होगा, सर्जरी करी होगी, बायोप्सी ली होगी, बायोप्सी घुमा दी रिपोर्ट. मैं नहीं एग्जामिन कर रही थी, मैं सीनियर डॉक्टर्स कर रहे थे, बट हमें भी करवा रहे थे कि देखो कि ये स्वेलिंग रिजिड है या सॉफ्ट है. एनल फिजर के केसेस, एक बहुत छोटी लड़की थी लाइक 21 टाइप्स होगी, उसको एनल फिजर थे. वो कह रहे थे कि शायद दवाई से ठीक हो जाए, बट फिर दवाई से ठीक नहीं हुआ और 3 महीने की दवाई थी उसको, तब भी ठीक नहीं हुआ और अब उसको सर्जरी. तो वही वो एकदम एडमिट कर रहे हैं कुछ को. एक बंदे ने अपनी टीबी की दवाई बंद कर दी ऐसे ही, तो उसको खूब डांट रहे थे. अपनी फैमिलीज देख ली, एक बच्ची थी उसने अपने ऊपर चाय गिरा ली थी और उसको लाइक इतने सी सेकेंड डिग्री बर्न्स थे, इतने सीवियर पूरा यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे सामने ड्रेसिंग हुई थी, मैंने उसका पैर पकड़ा था. बहुत लाइक इट वाज सो रियल. जैसे सर्जरी में आपकी पोस्टिंग हुई थी तो आपने कोई सर्जरी देखी? आज ही मैंने सर्जरी देखी, अपनी लाइफ की पहली सर्जरी. मेरे पास ना स्क्रब्स नहीं थे तो मुझे सर अंदर नहीं घुसने दे रहे थे. मैंने वो पीपी किट वाली मंगवा लिए थे, उनका ये होता है स्क्रब्स बिल्कुल नहीं घुसने देंगे. तो मैंने कहा सर प्लीज, मेरे इतना पीछे सर बेचारे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं राउंड्स के बीच में. मैंने तब सर प्लीज सर प्लीज एक बार जाने दो सर. एक फिर सर समझाने लगे, विधि और भी पोस्टिंग आती है और भी. मैंने कहा नहीं सर, सर्जरी की नहीं मिलेगी, प्लीज प्लीज करवा दो. तो फिर उन्होंने करके कि इनको दे दो स्क्रब, तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा स्क्रब्स मिले. आई एम गोइंग इन द ओटी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सो एक्साइटेड. और ये बहुत ही बड़ा है मेरे लिए एंड ऑल, एंड उन्होंने बोला था ओटी में चोरी हो जाती है तो सारा सामान अपने पास रखना, बट आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने शूट करने में डर रही थी बिकॉज आई डिडंट नो इफ यू आर अलाउड टू यूज कैमरा एंड ऑल, एंड वन ऑफ माय इंटर्न वाज लाइक कर लो ब्लॉग के लिए शूट कर लो. इंटर्न थे सर. गाइस देखो क्या क्या करती है विधि आपके लिए. बहुत एम्बैरेस्ड, बहुत एम्बैरेस्ड. जस्ट फॉर दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. गो अहेड, वी आर वेटिंग. सर्जरी में एक पेशेंट को लोअर बैक पे, उसको एक इतना बड़ा ट्यूमर था, बेनाइन ट्यूमर था, स्पिंडल सेल ट्यूमर था. एंड आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट आ रहा है मुझे. क्या होता है स्पिंडल सेल? स्पिंडल सेल होते हैं बॉडी में. अच्छा, बॉडी में होते हैं ये एक्चुअली. इसीलिए मामा भी पढ़ाते नहीं क्यों कहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा. वो बोल देंगे स्पिंडल सेल बॉडी में होता है. ये बढ़िया था गुरु. तो वो निकालना था, आई वाज अ 42 ईयर ओल्ड मेल आई गेस,
एंड इसकी सर्जरी देखी, मैं पागल हो गई देख के. जो इंसिजन मारा ना बैक में और वो रिफ्लेक्ट किया जब, ओह माय गॉड, ये तो हमारी स्किन है, इतनी थिक होती है पता, स्किन तो आपने वो तो कैडावर में भी देखी है. कैडावर में सूखा हुआ होता है ना, इट्स एक्चुअली ब्लड आ रहा है, वो बार बार साफ कर रहे हैं ब्लड को. और हमारे सर तो मस्त अंदर हाथ डाल के निकाला वो गोल्ड और रख दिया. मतलब बहुत एक्सपीरियंस है हमारे सर तो. लिटरली वो बॉडी को खोल के इतनी सारी कॉटन ली घुसा दी उसके इंसिजन में ब्लड सोखने के लिए पूरा. जैसे वो स्टिच कर रहे थे, हमने स्टिच करते हुए भी देखा, स्टिच जब काट रहे हो तो लंबा काटो ऊपर से, एंड वो सोचो इट्स लाइक वो धागे की तरह, कपड़े की तरह वो स्किन को वो कर रहे थे, एंड एवरी हुक दे वर पुटिंग इन, आई लाइक ओह नो. तो आपको ये सब देख के फैसिनेशन हुआ कि आपको भी सर्जन बनना है? बहुत, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सर्जन ग्रेज एनाटॉमी देख के, बट आई वोंट बी टू श्योर अभी के लिए, बिकॉज पता है कुछ, हाँ बहुत सीनियर्स भी सभी ये बोलते हैं अभी नहीं पता तो मैं. व्हाट अबाउट योर सब्जेक्ट? क्योंकि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग इतनी लंबी हो गई, प्रैक्टिकल टाइम लंबा हो गया, तो हमारे लेक्चर्स छोटे हो गए, बट सब्जेक्ट्स हमारे पास तीन है, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड गुड जॉब. याददाश्त कमजोर हो गई, आपकी उम्र कितनी है? पैथोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कूल हमने देखा, और एक बंदा आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहा था नेगेटिव प्रेशर चेंबर में बैठ के, बहुत कूल लग रहा था. एंड हमने देखा वो जहाँ पे हेपेटाइटिस बी, एलाइजा और बहुत सारे वायरसेस थे जिनकी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में हो रहा था. तो हमें सर जब समझा रहे थे पूरा डिपार्टमेंट और ये सब, तभी एक उससे लिस्ट निकल के आई, बहुत लंबी सी, उसने रिजल्ट प्रिंट आउट किया पेजेस पे, और उसमें एक बंदे का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव थे, 10 के 10 सैंपल्स, बट एक पॉजिटिव था. एंड वो बता रही थी कि डॉफिंग एंड डॉनिंग क्या होता है. डॉफिंग मतलब आप जो भी पीपी किट पहनते हो उसको, देर इज़ अ वे टू वेयर इट, कि पहले क्या पहनोगे उसके बाद कैसे पहनोगे, यू हैव टू वेयर इट इन दैट वे, एंड यू हैव टू डिस्पोज इट ऑल्सो इन अ सर्टन वे. दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर कोविड या फिर? नहीं नहीं, यू हैव टू फॉर सर्जरी ऑल्सो एंड फॉर दीज टेस्ट वगैरह. जब हाईली कंटेमिनेटेड होता है तो हमें तो कुछ माइक्रोबायोलॉजी लैब में घुसने ही नहीं दिया, जब हमें टूर दे रहे थे कि क्या क्या है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारी ओल्ड बिल्डिंग में भी, हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. माइकोलॉजी का जहाँ फंगल के वो होते हैं, एक जगह है पैरासिटोलॉजी जहाँ पे अराउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, इन सब के कल्चर निकलते हैं. What is pathology? Basically, हमने physiology पढ़ा. Physiology मतलब normal functioning of the human body. ऐसे कि cardiovascular system, respiratory system, your nervous system, सारे. And now pathology is उन्हीं सब की बीमारियाँ. तो जैसे हमने physiology का first chapter पढ़ा cell, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि सेल में कैसी कैसी इंजरीज होती है. एपोप्टोसिस होता है, मतलब नेक्रोसिस, सेप्सिस, जो सड़ जाते सेल ना, उससे आधा. आज मैंने सर्जरी के वार्ड में एक डायबिटिक फुट के पेशेंट को देखा, और ओ माय गॉड, उसका पता है उसके 3 पैर ही नहीं थे, ये इतनी था एंड इतना बड़ा पैर था उसका, काटा नहीं था, नेक्रोसिस हो गया था, सड़ गया था. मतलब डेली लाइफ में तो हम देखते नहीं, इतने लोगों को लिवर एब्सेस होता है कि कुछ ना कुछ सर्जरी हो जा रही है लाइक, और हम सोचते ही नहीं कि ऐसा जनरली होता भी है लोगों को. एनी ऑफ यू हु आर eating properly, who are able to walk, who are able to use all your senses, everything, all of us are really, really lucky listening to this. We know how unfortunate people are in this world. Seriously, itni socho ye to ek hospital in Delhi aur itne hospitals in Delhi, itne hospitals in India. God man, main to soch ke thoda perspective milta hai, itne patients bahut sare pe, aur sab hum to sabhi dekh rahe hain kyunki doctor jo dekh rahe hain hum piche ja rahe hain. हम सब देख रहे थे, डॉक्टर बोलते इसको इस पे चढ़ाओ, इसको आईवी पे चढ़ाओ, इसको ये दो, इसको वो दो. हमने एनल एग्जाम्स होते हुए देखा, हमने बहुत कुछ होते हुए देखा. मतलब मेडिसिन के नाम वगैरह याद कर? हाँ, बेसिकली अभी हमें सिखाया कि हाउ टू राइट अ गुड प्रिस्क्रिप्शन. अच्छा, वो डॉक्टर्स कैसे गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं? नहीं, कि प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेसिकली, कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका दिल्ली मेडिकल काउंसिल DMC नंबर होना चाहिए, हर आपकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, शेड्यूल एच ड्रग क्या होती है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है उसको शेड्यूल एच बोलते हैं. सो ऑल दिस यू मस्ट नो बिकॉज़ टुमारो व्हेन यू आर अ डॉक्टर. It's like feel आ रही है कि oh my, we are doing something. अच्छा विधि, the most important thing जो in fact the first time when you were going to MBBS ये पूछा था, ड्रग्स तो नहीं किया?
with this we come to the end of this video and hopefully aap log bhi you mere ko kitne juniors aaye bolne ki we are going to be your juniors ye batao ki un jo aapke juniors aaye unhone mere bare mein kuch pucha oh yehi wo bolte ki mama college nahi aate aapke sath maine kaha aate hain wo class attend kar rahe hain main aise hi bahar ghoom rahi hu काश मैं तुम्हारी जगह पे होता No anyways, so hopefully आप में से बहुत सारे लोग इस साल विटनेस करोगे भाई साहब जाने से पहले गाइस इफ यू वांट टू विन Amazon का 500 रुपीस का कूपन देन मेक श्योर यू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और लास्ट वीक का विनर देखते हैं एंड द विनर इज अनन्या खरे कंग्रेचुलेशन इधर लग रहा है हमारी फैमिली की है शिवम खरे अनन्या खरे वी डेफिनेटली डोंट नो हर बट शी इज अ पार्ट ऑफ थ्री इज अ क्राउड फैम एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन बाय